अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लें। तो जी कल की तरह अभी भी तूफानी बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हुई है लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। काया जी, ये इब्राहिम। अस्सलामुअलैकुम भाई, टू चैलेंज। क्या वालेकुम सलाम। और भाई जन, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक है, आप पे? मैं भी ठीक हूँ। तो रोजा वगैरह रखा क्या? नहीं। क्यों नहीं रखा? आज रखूंगा सच में। नहीं, लास्ट ब्लॉग में आपने बोला था कि आज आप रोजा रखोगे। बाय। आज वैसे उम्मीद तो नहीं थी कि बारिश आएगी, क्योंकि एक बजे तक तो कोई सीन नहीं था बारिश का, फुल धूप निकली हुई थी, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर ही बारिश का मौसम बना और बारिश स्टार्ट होगी, वो भी तूफानी। क्योंकि हम लोगों ने क्रिकेट खेलने जाना था, अभी हमारा प्लान अभी बना था कि क्रिकेट खेल के आएंगे, तो जाते जाते ही बारिश स्टार्ट हो गई और वो भी तूफान किस्म की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? रोजा है? हाँ जी। नहीं। और नहीं? नहीं नहीं यार, फिर भी सीरियस, रोजा है कि नहीं है? नहीं। है, वो कह रहा है तो उसका रोजा होगा फिर यार। नहीं है। पक्की बात है सर? कौन झूठ लगा? वो झूठ लगा। देख लेना किस टाइम रखा था रोजा। पापा ने, मैंने। अच्छा अच्छा यार, देख लो, वो आपसे छोटा है, उसने रोजा रख लिया, आपने ही रोजा रखा। झूठा रहा तो सोया होता है। बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है जी। वालेकुम। रोजा है? जी। देख लेना। देख रहा हूँ, रोजा। सही हो गया। तो जी बारिश दोबारा स्टार्ट। 10 minutes later। बारिश दी दोबारा स्टार्ट हो गई है और हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने असर की। मौसम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह के मौसम कभी रहे ना फिर मजा आएगा। साथ है ये छोटू, ये कहता मेरा रोजा है लेकिन झूठ का पकड़ा गया, इसका कोई रोजा नहीं है, रोजा। तो नमाज पढ़ने नहीं जा रहा था, कहता मेरा रोजा है, तो उसको मैंने बोला चल नमाज पढ़ने, तो मैं लेके जाता हूँ आज अगर तेरा रोजा है। और नीचे फुल फिसलने वाली जगह भी हुई है। नमाज हम लोगों ने पढ़ ली है और ये हालत चेक करे ध्यान से, ध्यान से। इब्राहिम भाई क्या? अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम यार, रोजा रखा जा आपने? नहीं। क्यों नहीं रखा आज रोजा? वैसे ही क्यों? लास्ट वीडियो में आपको मैंने बोला था, अब लास्ट टाइम रखूंगा, देख लेना। पहले भी आपने लास्ट टाइम बोला था, लास्ट टाइम अब रखूंगा। इन भाई ने तो झूठ बोल दिया था कि इन्होंने रोजा रखा है, इनका झूठ पकड़ा गया। अब रात को मैंने सगरी टाइम उठना, रोजा रखना सहरी टाइम। हाँ देख ले, देख लेना। The next day. Welcome back. तो 2 दिन लगातार बारिश के बाद अब जाके धूप निकली है और मेरी गाड़ी की भी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, फुल मिट्टियों मिट्टी। तो उस बाइक को धोते हैं, हवेली में मैं ले आया हूँ बाइक को, तो उस बाइक को धोते हैं पहले, उसके बाद तो देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना। इधर साथ ही मोटर की तारे भी हैं, तो बड़ी तवज्जो से इसको साफ करना पड़ता है जब इधर बाइक हम धोएं। गाड़ी मैंने साफ कर दिया फुल धो के, टायर नहीं इसके मैंने धोए क्योंकि कीचड़ बहुत ज्यादा होगा अभी भी, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बकाया गाड़ी को फुल टन टन कर दिया। धूप में मैंने इसको खड़ा कर दिया, इधर सही धूप आ रही है, ये सूखती है उसके बाद फिर मैं इसको अंदर खड़ा कर दूंगा। बाइक धो के मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने जोहर की, और धूप भी शदीद किस्म की लगी हुई है लेकिन इतना पता नहीं लग रहा क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, 2 दिन बारिश हुई है ना तो मौसम ठंडा रहा है, तो कह रहा धूप तो बिल्कुल है लेकिन अभी इतना पता नहीं चल रहा। 15 minutes later। तो जी बाइक को अब घर में खड़ा कर देते अंदर। मैं बाइक को इसलिए नहीं धोता है क्योंकि हमारे रास्ते बहुत खराब है, तो बाइक का भी हाल कोई रहता नहीं है, अभी ये ठीक है, कल मैं यूनिवर्सिटीज को लेके जाऊंगा तो दोबारा इसकी हालत वैसी हो जानी है।
इसको भूख लगी हुई थी, हम जा रहे शोर, इसको हम लोगों ने सुबह भी डाला था खाना, तो अभी दोबारा डालते हैं। वो अमर लेने गया था, इसमें है कुछ भरा हुआ? तो चावल हमने डाले थे सुबह, तो अभी देखते हैं इसके अंदर कितने डालते हैं। रखो, अगर ये खाता तो फिर इसको और डालते हैं। रख दे, कुछ नहीं करता, खा रहा है, इसको थोड़ी सी और डाल देते हैं, ये खा रहा है चावल। इसको ना वहां से ला के दो, नहीं खा रहा, खा रहा है यार, इसको थोड़ी सी और ला के दो, उसमें डाल। One hour later. अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार को सामान लेने, गाड़ी की भी हालत बहुत बुरी हुई है, ये तभी मैंने धोई थी जो मैंने व्लॉग बनाया था, उसके बाद धोई नहीं। साथ जा रहा फहद, तो सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो रोजा भाई? चलते हैं अब, इधर से कुछ सामान हमने सेट करवाना था वो इनको दे दिया है, आते वक्त अब हम ले जाएंगे, अब हम लोग जा रहे हैं टाउन में, उधर से कुछ छोटी मोटी चीजें लेनी है वो लेते हैं, फिर चलते हैं। A few moments later. जो सामान हम लोग लेने आए थे वो हमने ले लिया शॉप से, अब जा रहे हैं। और फिर कुछ कहोगे? लाइक कर दो वीडियो को। तो जी यार, जिन जिन और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर ले। यहाँ से जी जो सामान हम लोग देख गए थे वो ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। ये हम लोग सामान देख गए थे वो ले लिया, अब चलते हैं सीधा घर। बगैर फाद भाई तुम्हें किस चीज का सांस चढ़ गया, कक्कीता भी नहीं है तू। आगे जी फहद का दोस्त खड़ा हुआ है, फहद यार उसको बात करो यार। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना है सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।